के बटर में भी बनेगी, नॉर्मली बनती है और घी में भी बनती है। आपकी सबसे फेवरेट डिश कौन सी है मुकेश सर यहाँ पे? दही कचौड़ी। मुकेश सर की दही कचौड़ी बनते हुए खाने से ज्यादा एक्चुअली देखा जाए तो देखने में ज्यादा मजा आता है। बट ये देख रहा है गर्मा गर्म समोसा, वाह लवली, दुआ देखो स्मोक आता हुआ गर्म गर्म समोसे में। हम लोग सैंडविच भी खाएंगे, डोसा भी खाएंगे, पाव भाजी भी खाएंगे। और ये हमारा बन रहा है डोसा। भैया कौन कौन से डोसे मिलते हैं आपके पास? डोसा, चीज डोसा, मसाला डोसा, डोसा चीज मसाला, टमाटर डोसा बन रहा है डोसा। डोसे के साथ साथ मैं तुझे खिलाता हूँ छोले भटूरे। और ये देखो आता हुआ उड़ता हुआ जा रहा है चीज, इसके ऊपर काजू मिला मुझे काजू। अचार को इस उंगली से खाने का भी मजा कुछ और है, जो कि हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं घर पे, मैं तो कहीं पे भी कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे क्या पसंद है? मतलब मोस्ट ऑफ मुझे कचौरी और समोसा पसंद है। ये फास्ट का है। ओह नाइस, तो इफ यू आर फास्टिंग यू कैन गेट अ फास्टिंग मिठाई एज वेल। मैं इधर का समोसा दाबेली रेगुलर खाती हूँ। ये रस मलाई और ये रबड़ी रोल, मैंने जो नाम सुना था मीठी तुलसी होती है, स्टीविया बोलते हैं, स्टीविया स्टीविया यूज करते हैं। मीठी तुलसी हाँ, जीलो कैलोरी होता है बराबर। अच्छा कैलोरीज नहीं है। और ये बटर ओह लवली, दाबेली को बटर में मिक्स होता हुआ देख जो टेम्पटेशन और जो भूख बढ़ती हुई। लोग रहते हैं ना जो बटर ज्यादा नहीं खाते उनके लिए सबसे बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे दाबेली बनती है घी में भी। और ये हमारे मसाला सिंग, मसाला सिंग, पीनट्स और सेवैया जी। ये अरे दाबेली को जब हम लोग अभी ये तो पूरी बटर में बोलते हैं ना पूरी मिक्स हुई है, जब इसको हम लोग ऐसा ब्रेक करेंगे, भाविन थोड़ा क्लोजली दिखाना मैं ये ब्रेक करने वाला हूँ। और ये लोडेड सेवैया, वाह वाह, ये पूरा अंदर से पूरा भरा हुआ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली खाली है ऊपर ही ऊपरी, अंदर से पूरा लोडेड है। वाह लवली। सो अगर आप लोग ने भी अभी ये खाया है तो हमें ज़रूर बताएं। नाइस लवली, क्रिस्पीनेस है, स्वीटनेस है, सॉल्टीनेस है, मतलब ये मिक्सचर है सभी चीज़ का। और हमारे साथ में है यहाँ के जो कंटिन्यू कस्टमर आते रहते हैं। सर आपका नाम? मुकेश चौरसिया। मुकेश भाई है हमारे साथ में। मुकेश भाई आप यहाँ पे नॉर्मली क्या खाते हो? यहाँ पे इनका सब चीज़ फेमस है, दही कचौड़ी हो गया, समोसा हो गया, वड़ा हो गया, भजिया हो गया, ढोकला हो गया, खमन ढोकला, जो भी बोलो आप। अरे वाह, आपने इतनी फास्ट फास्ट बोला, मतलब आप तो यहाँ के डेली के शौकीन लगते हो। नहीं मुकेश सर तो वैसे मुकेश सर को देखे तो वो भी एक फूडी दिखते हैं हमारे जैसे खाने के शौकीन। और आपकी सबसे फेवरेट डिश कौन सी है मुकेश सर यहाँ पे? दही कचौड़ी। दही कचौड़ी, तो अभी आप क्या लेने आए हो? दही कचौड़ी। चलो हम देखते हैं इनका दही कचौड़ी बनता कैसे। और ये बन रहा है इनका मुकेश सर का ऑर्डर, मुकेश सर की दही कचौड़ी बनते हुए मुकेश सर भी देख रहे हैं और हम दोनों भी देख रहे हैं। मुकेश भाई आपको यहाँ के समोसे आपके तो बहुत वर्ल्ड फेमस है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे इधर आसपास जितना भी कुछ फंक्शन होता है तो समोसे इन्हीं के यहाँ से जाते हैं पार्सल। वाह मतलब कोई भी प्रोग्राम होता है तो समोसे इनके से जाते हैं। दही कचौड़ी भी बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। बिल्कुल यस यस। मुकेश सर अगर ये बहुत जो इतनी टेम्पटिंग दिख रही है शायद आपके हाथ से हम छीन के खा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। याहू, अब हम करते हैं एक काम, अब हम बनाते हैं हमारा ऑर्डर। भैया हमारे लिए जल्दी से जल्दी समोसा बनाया जाए। ये देखने के लिए जो मजा आता है खाने से ज्यादा एक्चुअली देखा जाए तो देखने में ज्यादा मजा आता है। बट ये देख रहा है गर्मा गर्म समोसा, वाह लवली, दुआ देखो स्मोक आता हुआ गर्म गर्म समोसे में से। और एक्चुअली जैसे मैंने पहले भी बोला फ्रेश चीज़ें जो ये स्नैक्स आइटम होते हैं फ्रेश खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। और ये आ गई चटनी और उसके ऊपर जो सेवैयाँ आती। भैया हमारे लिए कुछ आपका जो स्पेशल जो आपको पसंद है वो डोसा हमारे लिए बनाइए। डोसा बना सर, बना दीजिए सर। या वो तो फिर अभी हम लोग हमारा बन रहा है डोसा। डोसे के साथ साथ मैं तुझे खिलाता हूँ छोले भटूरे। क्या बात है, चीज इसके ऊपर हमारे डोसे के ऊपर चीज डोसा लवली, मैसूर चीज डोसा। तो या वो तुझे कौन सा डोसा पसंद है, क्रिस्पी या सॉफ्ट? मुझे तो मीडियम पसंद है क्योंकि क्रिस्पी में ना चटनी आती नहीं है, सॉफ्ट में ना प्रॉपर चटनी आती है तो उसका मजा ज्यादा आता है। तो क्रिस्पी या सॉफ्ट ऐसा नहीं है, मीडियम होना चाहिए प्रॉपरली कुक। और ये हमारा बन रहा है अब डोसा, अब हम जाने खा जाके खाएंगे। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चीज डोसा सैंडविच समोसा और छोले भटूरे। और अब हमारा भटूरा बन रहा है, भाई देख पा रहा है तू किस तरह से बन रहा है? यस वाह, अब तू देखना किस तरह से बनता है। अरे वाह क्या बात है, काफी घुमा भाई। और ये देखो आता हुआ उड़ता हुआ और ये जा रहा है अब तेल में। लवली, गर्मा गर्म भटूरा छोले के साथ खाने में yes. और छोले भटूरे एक्चुअली मुझे स्नैक्स में ब्रेकफास्ट में खाने का मजा आता है और आज हम लोग वही ट्राई करने वाले हैं। देख पा रहे हैं कितना बड़ा है ये।
भावेश भाई ब्लॉग चालू हो गया। भावेश भाई आपको अभी नहीं खाना है। भावेश भाई एक मिनट, ब्लॉग चालू हुआ है। अरे हमको उसका रिव्यू करना है, समोसे का खत्म कर दोगे क्या? काजू मिला मुझे, काजू। क्या बात कर रहे हो, समोसे में काजू? कभी सुना था? समोसे में आलू जाता है भाई डिफॉल्ट, बट काजू कहाँ से मिल गया आपको? यही तो यहाँ की स्पेशलिटी है। टेस्ट करूंगा, प्लीज भावेश भाई रुक जाइए। तो सुहेल ये वो समोसा है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसके हर समोसे में तुझे मिलेगा काजू। क्या बात है, तू भी ट्राई कर। सुपर, लेट मी ट्राई दिस। और ये बहुत ही अच्छा और फ्रेश दिखता हुआ, और फ्रेश दिखने के बाद भी खाने का जो मजा है। यस, और ये एक ही शॉप नहीं है, ये पिछले 25 सालों से मनमोहन मिठाई वाला और इनके समोसे फेमस है। आप स्विगी और जोमेटो पे भी हो? क्या बात, मनमोहन डॉट करके ऐप है, चारों ब्रांड मिलेगी, प्लस हमारा रेस्टोरेंट उसमें ऐड किया हुआ है। ओके एवरीवन, चलो खाना खाते हैं। कि इस व्लॉग में अगर आपको नहीं पता है कि इनका ऐप है जिसपे से अगर आप ऑर्डर करते हो तो आपको 5% डिस्काउंट ऑल आइटम पे डिस्काउंट। और ये पिछले कितने सालों से है? हमारे पिताजी ने 99 में ब्रांच चालू किया था। 99 में ओके। तो पहले ब्रांच हमने मतलब कोपर कैनाल पे चालू किया। जी हाँ। उसके फिर बाद में 2 साल बाद में गंसोली में चालू किया। हाँ। उसके 4 साल बाद में इधर सानपड़ा में किया, और 14 ब्रांच हमारा वासी में। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, नॉर्मली दिन में कितने समोसे जाते हैं आप? लगभग मतलब 2000 प्लस जाते हैं दिल्ली के। क्या बात है। और ये हमने शुरू कर दिया है भटूरे को, भटूरे को कट करना, और हम लोग इसको अभी टेस्ट करने वाले हैं। छोले देख रहे हैं, फ्रेश भटूरा, और ये छोलों के साथ। मैं बोल रहा हूँ बॉस, ऐसे छोलो भटूरे खाने मिल जाए इतनी बारिश में, क्या बात है। और क्या चाहिए लाइफ में यार, क्या बात है, क्या बात है, इतनी बारिश और यहाँ पे छोले भटूरे के मजे लेते हुए। और आप भी हमारे साथ खाइए। सुपर छोले भटूरे की एक और खासियत है, आपको अनियन उसके साथ बाय डिफॉल्ट मिलेगा, और साथ ही में मिलेगा आपको उसके साथ अचार। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके खाना छोले भटूरे का सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। और ये मैंने खाया कांदा सुहेल का कांदा और ये अचार के साथ में मिक्स करके। यस, मालूम मजा आ रहा है, लेकिन छोले भटूरे की थोड़ी फ्रेशनेस दिखाते हुए, और ये हम इसको ऐसे फोल्ड करके। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, इसको ना इसके ऊपर डालने हैं ऐसे, और एक छोला और इतनी ग्रेवी के साथ में ये जाएगा आपके सीधा मुंह में। और अचार को इस उंगली से खाने का भी मजा कुछ और है, जो कि हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं घर पर, मैं तो कहीं कभी कर लेता हूँ। ये है मैसूर चीज डोसा, मैसूर चीज डोसा, और ये हम ट्राई करते हैं इसके ऊपर चीज देख पा रहे। और ये भाई ये क्रिस्पी है, मजा आएगा घर में भाई। एक्चुअली ये मीडियम क्रिस्पी है, जो कि जैसे मैंने बोला था मीडियम क्रिस्पी में जो चटनी जो आती है वो प्रॉपरली उसके ऊपर आ जाती है, और उसका खाने का मजा कुछ और। तो अगर ये अगर दिखा पाए हम, बहुत ही फ्रेश और अभी भी बहुत ही ज्यादा, और अंदर पूरा लोडेड है, इस तरह से नहीं है कि सिर्फ डोसा डोसा ही, अंदर अच्छे से लोड किया हुआ है। ले लिया चीज के साथ ये डोसा, और ये तो मैं लेता हूँ, मुझे चटनी के साथ ज्यादा पसंद आता है। तो ये मैंने ले लिया इस पे सांबर, और मैं इस पर से डालूंगा ये चटनी। लेट्स हैव इट, यू हैव इट एंड आई विल आल्सो टेक इट, एंड व्यूअर्स लेट्स एंजॉय इट। और इनका खास बात पता है, और भावेश भाई हमारे बस खाने में मगन, इनका ना कस्टमाइज डोसा, कस्टमाइज डोसा सुना है कभी? कस्टमाइज डोसा का मतलब होता है कोई बोलता है कम चटनी डालना, कोई बोलता है ज्यादा चटनी डालता, तो इनके लोग स्टाफ भी इतने कोऑपरेटिव है, कभी हाइपर होते नहीं है। सो बेसिकली अगर आप देखो तो जैसे होता है ना पानीपुरी के साथ सूखा पूरी बाय डिफॉल्ट हमको आदत है लेने का, वैसे ही किसी को कम चटनी किसी को ज्यादा चटनी, बट हर शॉप पे वो उतना कोऑपरेशन और सपोर्टिव एक्शन नहीं देखने मिलता। यस यस यस, मेरे फिर से काजू आया, क्या बात है, क्या बात है। भावेश भाई हमारे बहुत ही ज्यादा फूडी होते हुए और खाने में मगन, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। आपने व्यूअर्स अगर आपने देखा हो तो आप जरूर कमेंट में बताना कि समोसा सबसे ज्यादा किसने खाया। और हमारे साथ में कोई गेस्ट सर, आपका नाम? संभाजी भोसले। और संभाजी हमारे साथ में है, आपको यहाँ पे क्या पसंद है? मतलब मोस्ट ऑफ मुझे कचौरी और समोसा पसंद है, तो मैं यहाँ मोस्ट ऑफ बार बार खाता हूँ। और कितने टाइम से आप आते हो यहाँ पे? मैं बहुत टाइम से, मतलब कम से कम 1-2 साल हो गया मैं इधर से। वाओ, मतलब 1-2 साल से आप कंटिन्यू खा रहे हो? हाँ। क्या बात है, कचौरी आपका फेवरेट? हाँ। और हमारे साथ एक और गेस्ट जो कि यहाँ का स्वीट इंजॉय कर रहे हैं। सर आपका नाम? पंकज। पंकज जी आप कौन सा मिठाई खा रहे हो?
जी ये मैं ड्राई फ्रूट्स खा रहा हूँ। ड्राई फ्रूट बर्फी वो खा रहे हैं अभी? बिल्कुल। सर आपको यहाँ पे आप रेगुलरली आते हो? रेगुलर आता हूँ मैं 2 साल से, और इनके पास फास्ट के भी अच्छी अच्छी मिठाइयों की क्वालिटी है। ये फास्ट का है। ओह नाइस, तो इफ यू आर फास्टिंग यू कैन गेट अ फास्टिंग मिठाई एज वेल। तो भावेश भाई हमने अब बहुत ही ज़्यादा स्नैक्स खा लिया है, हमारा पेट अभी अच्छा खासा भर गया है। okay. और अभी जो नेक्स्ट हमारा क्या प्लान है यहाँ पे? सो हमने खाना तो खा लिया है, सो व्यूअर्स चलो मिठाई खाते हैं। और हमारे पास में है ये रस मलाई और ये रबड़ी रोल, मैंने जो नाम सुना था। तो ये रबड़ी रोल बहुत ही डिलीशियस दिखता हुआ और मेरे सब्सक्राइबर्स के मुंह में पानी आता हुआ, लेकिन आपको सिर्फ देखने मिलेगा और हम इसको करेंगे टेस्ट करेंगे। और अगेन भावेश भाई को रहा नहीं जा रहा है और उन्होंने तो रहा नहीं जाता, उन्होंने शुरू कर दिया है रस मलाई से। मैं तो टूट पड़ रहा हूँ दोस्तों। दिस इज रबड़ी रोल और ये रबड़ी ऊपर आते हुए जैसे ही मैंने स्पून डिप किया, लवली कितना रिच लग रहा है भाई। मुंह से पानी आ रहा है, मुझे पता है सबके मुंह से पानी आ रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और ये मैं टेस्ट करूंगा लवली। नम 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 नम। कुछ बोल। आप थोड़ा कंटिन्यू करो ना जरा, मैं थोड़ा टेस्ट करूं। बोल हमें भी जाने। नहीं बोला नहीं जा रहा। और जैसे आप देख पा रहे हो ये भाई साहब कुछ बोल ही नहीं पा रहा, मगन हो गया या खा बोला नहीं जा रहा। भाई साहब याहू, मुझे ये पूछना है कि ये सब अलग चीजें क्या है? तो लेट्स आस्क द प्रोफेशनल पर्सन हु डील्स इन दिस। सो सर प्लीज कम हियर। सो मोटा भाई ये है क्या चीज? ये सर ड्राई फ्रूट के लड्डू है और ये कीवी बाइट है और ये शुगर फ्री। इसमें क्या है कि हमने जब मतलब बिजनेस और मिठाई तो हर कोई मतलब करते ही, हर कोई मिठाई बनाते हैं, लेकिन हमारा क्या है कि मतलब जिस तरीके से टाइम चल रहा है कि जिसको अगर मतलब ज़्यादा फैट है, लो कैलोरी के लिए हमने ये स्वीट बनाया है। इसमें क्या एक्चुअली मतलब जो मीठी तुलसी होती है, स्टीविया बोलते हैं उसको, स्टीविया यूज़ करते हैं। मीठी तुलसी हाँ। इसमें स्टीविया पाउडर यूज़ करते हैं ताकि मतलब उसमें क्या है कि मतलब डायबिटीज वाले भी यूज़ करते हैं, उसमें जीरो कैलोरी होता है। अब आपको पता चला हम दोनों ने मनमोहन स्वीट्स को क्यों सिलेक्ट किया टू रिव्यू ऑल दिस। सो ये कैलोरीज का जो है इसमें लेस कैलोरीज है एवरीवन ये स्वीट में, और ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज के डेट में एवरीबॉडी इज वेरी फिटनेस कॉन्शियस। यस ऑब्वियसली ये स्वीट है बट लेस कैलोरीज है, और ये आपने बोला भाविन यहाँ पे दिखाना ये जो कीवी आपने बोला तो कीवी जो फ्रूट है उसका ये तो ये फ्रूट कम स्वीट है। बराबर क्या बात है। और कीवी अगेन इट्स वन ऑफ द दैट मींस ये मिठाई हेल्थ के लिए अच्छी है। ये जो आइटम है ये मतलब बेंगलोर की फेमस है, इसको मिल्क मैसूर बोलते हैं। ओके मिल्क मैसूर। ओके दिस इज बेंगलोर फेमस मिल्क। ये जो लोग मिल्क मैसूर बोले कैसे बनाते रहेंगे, हमारे यहाँ पे मिल्क मैसूर कैसे बनता है कि अमूल का दूध पाउडर यूज करते हैं। ओके हाँ, और गाय का घी, जो अमूल का जो गाय का घी है ना वो गाय का घी यूज करके मिल्क मैसूर बनाते हैं। तो ये जो हाँ है आप अगर एक बार उसको एक बार खाएंगे ना आधा घंटा तक आपके मुंह में मतलब हमेशा टेस्ट रहेगा, घी का ही टेस्ट रहेगा। इसका नाम क्या बताया आपने? मिल्क मैसूर पाउडर। तो वीवर्स दिस इज मिल्क मैसूर। हाँ मिल्क मैसूर। और मैंने थोड़ा सा उसका एक छोटा सा पार्ट लिया था, मेरे मुंह में डालते ही वो पिघल गया। और जैसे कि इन्होंने बोला कि ये खाने के बाद में कुछ आधे घंटे तक इसमें जो घी का टेस्ट है वो मुंह से नहीं जाएगा, घी का टेस्ट रहेगा। इट इज एक्चुअली वेरी नाइस। तो ये क्या है? ये अंजीर पत्र है। अंजीर अंजीर पात्रा। हाँ, मिठाई का नाम। तो ऑब्वियसली अंजीर से तो समझ में आया कि इसका जो आउटर कोटिंग है वो अंजीर का है। बराबर। और इसका जो इनर कोटिंग है वो मतलब काजू को पीस के, अच्छा उसके बाद काजू का कुंदा बना दे। ओके। और इसमें बादाम काजू और पिस्ता यूज होता है। ओ, नाइस, नाइस, मतलब ये भी हेल्थ के लिए अच्छी है मेरे भाई। नाइस नाइस। अंजीर है, अंजीर इज लाइक मुझे अच्छा लगता है। मावा दूध वगैरह कुछ नहीं खाली, ओनली ड्राई फ्रूट का ही बनता है ये, उसमें ड्राई फ्रूट का पेस्ट रेडी होता है ये। इसमें भी अगेन ड्राई फ्रूट्स, रियल में मतलब केसर भी होता है। तो इसमें अफगानिस्तानी ओरिजिनल केसर भी है और ये दिखता हुआ आपको, ये केसर दिख रहा है भाई। ओनली ऑन चलो खाना खाते है .com पे। इतना डिटेलिंग में अगर किसी ने रिव्यू कर लिया हो तो बस हमें
बता देना आप लोग कमेंट में। कोई नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ चलो खाना खाते हैं .com पे आपको दिखता हुआ इतना डिटेलिंग में, मतलब मनमोहन मिठाई जो कि सानपाड़ा का एक हॉटस्पॉट एरिया में हार्ट में आता है, हाईवे पे ही है और बहुत ही कन्वीनियंट टू रीच, स्टेशन पास में है, हाईवे पास में है। बाकी मैं आपको यहाँ इस जगह का लोकेशन डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा एड्रेस के साथ में, तो आप डेफिनेटली देख के आ सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट भी पक्का करना। हाँ तो ये तो सारे ही बोलते हैं, तो अगर मुंह में पानी नहीं आ रहा हो कुछ देख के तो हमारा वीडियो देख लेना भाई, डिफॉल्ट आ जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या कर रहे हो? और ये है, मैंने कर दिया है इसको रिव्यू 5 स्टार कर दिया है गूगल पे रिव्यू और रिव्यू करने के साथ साथ ओहो क्या बात है, इफ यू रिव्यू अस ऑन गूगल यू गेट रसगुल्ला फ्री।